जी अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर उसी तसलसल की एक कड़ी है। मैं आपको थोड़ी वजाहत के साथ आज एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और एक पाकिस्तान के महज़ब शहरी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और एक इस मुल्क के साथ लॉयल्टी के भी लिए भी है। एक मेरी चीज़ याद रखें कि लेक्चर्स मेरे डिफरेंट होंगे, ऑब्जर्वेशन हैं लोगों से मेल जोल के बाद आप क्या नतीजे जाहिर करते हैं इस माशरे के बारे में। तो आपको एक चीज़ बड़ी वजह से आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, तो फर्दर एक रोल ऑफ सोसाइटी के ऊपर आप समझें इन डेप्थ। आपको ना मैं थोड़ा सा आज आपको एक समझाऊंगा। एक गवर्नमेंट अल्लाह तला ने एक असूल बनाया है, ठीक है ना, एक स्टेट है, उसके ऑर्गन्स हैं, लॉ है, उसके इदारे हैं, उसके साथ मशीनरी है, सारे चीज़ें आपस में चल रही होती हैं। तो डायरेक्टली अब मैं किसी इदारे के साथ कन्फ्रंट नहीं कर सकता डायरेक्टली, या किसी के साथ नहीं जा सकता, मुझे वो रूल फॉलो करना है स्टेप बाई स्टेप कि आप हैं, आप एक फ़र्द वाहिद हैं, फिर आपने फ़र्द वाहिद आगे किसी को नामिनेट किया हुआ है, वो नामिनेट आगे किसी को नामिनेट अपना करेगा, वो फिर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट से आगे फिर मतलब उसकी वोटिंग राइट इस्तेमाल होगा, प्रेजिडेंट हाउस या उस तरह। लेकिन हम जिस एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं या एक ऐसी मतलब जगह के ऊपर स्टाकअप हुए हैं, हर बंदे ने अपनी एक अलग राह मुतय्यन की हुई है, कोई बंदा किसी के मानने को तैयार नहीं। तो हम क्या करते हैं जी, हम एम्पावर करते जाते हैं वोटिंग पावर से, अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर करके उन लोगों को औरों के ऊपर फायर करते जाते हैं। और जब ये कहते हैं रोटी महंगी हो गई या वो बिल महंगे होने वाले हैं या वो चीज़ें होने लगी, तो हम स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक में अपने ही लोगों की दुकानें जला देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, खुदकुशी कर देते हैं। कभी किसी ने सोचा कि हम जिम्मेदारों तक क्यों नहीं पहुँचते? बेसिकली होना क्या चाहिए कि जिसको आपने पहले स्टेप के ऊपर नामिनेट किया कि भाई तुम मेरे काउंसलर हो या MLA MP हो, उसको घसीट के ऊपर ला के उसको अपनी मसाजिद के अंदर या अपने घरों या अपनी पंचायत के अंदर आप हवार करें, या उससे पूछें कि हमने आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, आगे आपने वोटिंग राइट गलत इस्तेमाल करके या अंडर हैंड ले के आगे कहाँ कहाँ के ऊपर। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वो सारी की सारी ट्रेल मिस कर देते हैं। एकदम बिजली महंगी हुई या कुछ ही चीज़ महंगी हुई, हमने MP MLA काउंसलर उसको पकड़ा ही नहीं, गालियाँ देनी शुरू कर दी डायरेक्टली गवर्नमेंट को, उसके स्टेट को, आर्मी को, भाई हमारा गाली देना बनता ही नहीं, क्योंकि वो कोई हवा से उतरी हुई हलाई में लोग थोड़ी है, या खुद से वो उन्होंने अपने आप को वोट डाल के मुतिब कर लिया। आप अपने जूते अपने ही सरों पर मारे तो अपने ही अपने थप्पड़ खुद को मारे तो शर्मसार हो कि हमने क्या कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। बड़े करवे लफ्ज हैं लेकिन हकीकत के ऊपर मबनी है। आप क्या कर रहे हैं कि बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक मंजर है ना, कि या तो अपने वोटिंग राइट इस्तेमाल करें या जिस बंदे को आपने मुंतखब किया हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, फर्स्ट हैंड के ऊपर उसके घर जाएंगे, उसको अपना अपने मोहल्ले में ना घुसने दें, अपनी जगह के ऊपर ना आने दें, भैया हमने आपको नामिनेट किया कि आपको हमने एक चीज के ऊपर आजाद बख्शा और आपने हमारे साथ क्या सलूक किया। हम डायरेक्टली उसको वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो मतलब सारे के सारे प्लेयर्स होते हैं जो आपकी जहनियत से खेल के आपका पैसा पूसा बटोर के सारा बैंकों में ले गए या बाहर ले गए, वो इसी तरह आप अजलीलो हार करते हैं आप जैसे सोसाइटी को, और हमारे जैसे सिविलाइज बंदों को जीने के हक से महरूम कर देते हैं। बिजली महंगी के पे महंगी होती जा रही है, हर चीज़ महंगी पे महंगी होती जा रही है, हम उनको गालियाँ दे रहे हैं ऊपर जो बैठ के महंगे कर रहे हैं, भाई क्यों? मैं फिर कहता हूँ क्यों? आप उनके घरों में क्यों नहीं जाते जिनको आपने इलेक्ट किया हुआ है, जो आपके से आपका वोट मांगने आए, आप हके वो मांगने आए, राइट मांगने आए, आपने गलत इस्तेमाल कर दिया, गलत हाथ में एक कमान पकड़ा दी, फिर उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप समझिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस मुआशरे में इस तरह की 99.9999999% पब्लिक ऐसी ही है कि ब्रेन वॉश माइंडसेट के साथ आपने अंधा एक इस्तेमाल करके उनको नामिनेट किया हुआ है, और हर तरफ करप्शन, बेरोजगारी, कत्लोगारत, गुंडागरी, जना, शराब, हर चीज़ आम है। तो भाई हम कसूरवार खुद हैं,
अपनी अकाउंटेबिलिटी करें पहले गवर्नमेंट या उसके इदारों के आपने छेड़खानी करने से पहले, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ा कि आज भी हमारी कौम उधर की उधर ही खड़ी है, हम बिल्कुल चेंज होने नहीं चाहते, गुलामाना जिंदगी बसते कर रहे हैं तो करते जाएं, अल्लाह ताला की जात है वो हिसाब ले लेगी, मैशर वाले दिन वो सबको अकाउंटेबिलिटी कर देगी कि किस किस को मैंने क्या हथियार दी और उसने कहाँ कहाँ पे किस किस तरह इस्तेमाल किए। तो बड़ा एक तकलीफ से कहना पड़ा है कि हम सही नहीं हो सकते, या हम एक जगह पे आप रुक गए हैं, तो जब तक आप बिल्कुल जीरो नहीं कर देंगे सारी की सारी उस जहनीत को या उस माइंडसेट को और फ्लरिश करेंगे बैक एंड के ऊपर जो मुझ जैसे लोग बोल रहे होते हैं, तो आपकी नस्लों का आने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट्थ यही हाल होगा बड़ी तकलीफ के साथ। तो आजकल मैं लेक्चर इधर ही वाइंड अप करता हूँ और कोशिश मैंने किया कि ये गलबात आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आप कर क्या रहे हैं और हमारे हम जैसे नौजवानों के साथ या हम जैसे पढ़े लिखे सिविलाइज सोसाइटी के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, जागीरदार क्या कर रहे हैं, वो एम्पावर जिसको किया है वो क्या कर रहा है, ये सारी की सारी ब्लैक माफिया मैंने आपके सामने रख दिया कि ये असल में ये ऐसा हो रहा है, बाकी अल्लाह ही असल है। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट मैं इसी ऑब्जर्वेशन या किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं चल रही हूँ।